वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आरती एंड गौरव, और मैं हूं आपका होस्ट गौरव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जयपुर में एक और ऐसी जगह लेके जाएंगे जहां पे आप स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं। तो इस वक्त जो हम जिस लोकेशन पे आए हैं, हम जयपुर के स्टैचू सर्कल वाले एरिया पे आए हैं, और जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये जो रोड है स्टैचू सर्कल से एमआई रोड की तरफ जाती है, तो उस जगह हम आए हैं और यहाँ पे हम आपको स्ट्रीट फूड का जायका के बारे में बताएंगे। ये चलते हैं और विज़िट करते हैं इस फूड स्ट्रीट को। तो गाइज, अभी हम जिस फूड ट्रक के आए खड़े हैं, इस पर इन्होंने लिखा है ब्लेंडेड ब्लिस, इट्स अ कॉफ़ी फूड ट्रक। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो इनका बोर्ड लग रहा है, यहाँ पे इन्होंने तरह तरह की कॉफ़ीज़ ये यहाँ पे सर्व करते हैं। एस्प्रेसो कॉफ़ी है, कैपीचिनो है, काफ़ी तरह की चीज़ें यहाँ पे ये सर्व करते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह के यहाँ पे चीज़ें सर्व करते हैं। आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, अपने फूड ट्रक के बारे में? हमारे यहाँ पे कॉफ़ी के अंदर आप अगर ट्राई करना चाहें तो आप बिस्कॉफ कैपिचिनो जरूर ट्राई कीजिएगा जी। या हमारे यहाँ की बिस्कॉफ कैपिचिनो यहाँ की सिग्नेचर है। इसमें बिस्कॉफ का स्पीड होता है, बिस्किट का उसका फ्लेवर होता है, बिस्किट का फ्लेवर होता है। कौन सी पर्टिकुलर बिस्किट होती है, या मतलब बिस्किट होता है इसका, ये लोटस बिस्किट का स्पीड होता है। ओके, इसका स्पीड होता है, इसके अंदर फ्लेवर होता है इसका। ओके, या अच्छा, जैसे जो यहाँ पे आएगा कॉफ़ी, नॉर्मली आप अगर मेरे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कॉफ़ी का क्या रेट वगैरह रहता है आपका, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे हमें आप? सर, रेट कंपनी प्राइस जो भी है वो सभी आगे थोड़ा सा मतलब कुछ कॉफ़ी के फ्लेवर्स विद रेट आप बताना चाहेंगे? कॉफ़ी का फ्लेवर सर बिस्कॉफ कैपिचिनो है, रोज़ कैपिचिनो है, एंड चॉकलेट में ट्राई करना चाहे तो कैलबेट मोका है, कैफे मोका है, और बाकी सारी काफ़ी सारी वेराइटी है। तो आपको कस्टमाइज कुछ करवाना चाहते हैं आप अपने ड्रिंक्स में, तो आप इसमें से कस्टमाइज से योर ड्रिंक है उसमें से सिर्फ करना करवा सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये अलग अलग तरह की कॉफ़ी सर्व करते हैं, और अगर आप कस्टमाइज भी अपनी कॉफ़ी लेना चाहते हैं तो उस तरह की भी फैसिलिटी यहाँ पर है। मैगी के पकौड़े, ओके, मतलब मोमोज हैं आपकी स्पेशलिटी, और मैगी के पकौड़े और बर्गर्स। नाम क्या आपके वैन का? ग्रेविटी। ओके, परफेक्ट। तो गाइज, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, जिस फूड ट्रक के आए खड़े हैं, इसका ट्रक का नाम है ग्रेविटी वैन, और मैंने जो यहाँ देख रहा हूँ कि ये जो इनकी स्पेशलिटी है वो है मोमोज, बर्गर, और जो इन्होंने मेरे को बोला ख़ासतौर पर मैगी के पकौड़े भी ये सर्व करते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ भी खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और इन चीज़ों का लुत्फ ले सकते हैं। तो गाइज, अभी हम जिस ट्रक के सामने, फूड ट्रक के सामने खड़े हुए हैं, इसका नाम है रमन डोसा। तो ये साउथ इंडियन फूड यहाँ पे सर्व करते हैं, और जो कि मैं सामने देख पा रहा हूँ, दे सर्व प्लेन डोसा, प्लेन चीज़ डोसा, मसाला डोसा, इसके अलावा ये और भी कई चीज़ें सर्व करते हैं, मतलब डोसे की अलग अलग वैरायटीज़। गाइज, हमने यहाँ पे इनसे बात किया तो हमको पता चला ये ऑथेंटिक जो साउथ इंडियन डोसा है वो सर्व करते हैं। तो चलिए इनसे और इसके बारे में हम जानते हैं। आप थोड़ा बताएंगे अपने इस फूड ट्रक के बारे में? सर, हमारा फूड ट्रक बहुत पुराना है जी। 2005 से हम लोग लगा रहे हैं। पहले ठेला था, उससे शुरुआत करी थी। अच्छा। अभी हमने फूड ट्रक कर रखा है, और जयपुर के अंदर 4 आउटलेट है हमारे। 4 आउटलेट जहाँ से मसाला चौक में है, रामनिवास गार्डन के अंदर, प्रताप नगर चौपाटी में है, और एक ये फूड ट्रक है। फूड ट्रक सबसे पुराना है हमारा। अच्छा। इसमें हमारे कई तरह के डोसे हैं। ओके। जिसमें हमारा बॉम्बे मैसूर मसाला है, जीनी डोसा है, रवा मसाला है, जो कस्टमर बहुत पसंद करते हैं उसके साथ। ओके, डोसे के अलावा और भी आप कुछ साउथ इंडियन डिशेज आप यहाँ पे सर्व करते हैं? सर, वड़ा सांभर है, इडली सांभर है, उत्तपम है, राइस का मैं अभी चालू करूँगी सर। राइस का आप चालू करेंगे? अभी हम जिस फूड ट्रक के आगे आए हैं, इसका नाम है भाईला। तो यहाँ पर जो ये फूड यहाँ पे सर्व करते हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। दे सर्व जलेबी, केसर पिस्ता, पनीर फिंगर फ्राइज, समोसा, कोल्ड कॉफ़ी, और कुल्लड़ चाय भी ये देते हैं, मस्का बन। तो देर आर सो मेनी वैरायटीज़, और अगर आप रिफ़्रेशमेंट के हिसाब से भी यहाँ पे कुछ खाना चाहते हैं तो दिस कैन बी अ गुड प्लेस फॉर यू। तो गाइस, हमने यहाँ पे समोसे का ऑर्डर किया, बिकॉज हम लास्ट टाइम भी आए थे तो हमको यहाँ के समोसे बड़े पसंद आए थे, और हमने यहाँ का जो तंदूरी पनीर सैंडविच है वो भी हमने यहाँ पे खाया था, तो उसका भी टेस्ट इट वाज वेरी गुड। तो आज हम यहाँ पे फिर समोसे का ऑर्डर कर रहे हैं और आपको बताते हैं उसके बारे में। तो गाइस, हमने यहाँ पे समोसे का ऑर्डर करा है, और हमने साथ में हमने ऑर्डर करा है कुल्लड़ की चाय। ये देखिए समोसा,
यहाँ पे इन्होंने जो समोसा का जो प्लेट है सर, ये 5 समोसे इन्होंने हमको सर्व किए हैं। और मैंने चूँकि हम पहले भी समोसों को हमने टेस्ट किया हुआ है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, मिर्ची इसमें बिल्कुल नहीं है और एकदम से घर के बने समोसे जैसे इनका टेस्ट है। इस ट्रक के सामने खड़े हुए हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिए दाबेली और इसका नाम है बिंज बाइट। सो यहाँ की जो दाबेली है हमको बताया गया कि थोड़ा सा स्पेशल है ये, तो इनके जो ओनर हैं इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इसमें क्या है स्पेशल। हमारा फर्स्ट आइटम दाबेली, इट्स एन ऑथेंटिक कच्छ टेस्ट है, गुजराती आइटम है, बहुत डिफरेंट है, कस्टमाइज बन जाता है, इसको तीखा का तीखा बनेगा, कस्टमाइज बन जाता है। दिस इज मिसल पाव, इट्स महाराष्ट्रन डिश, इसका ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है बट एकदम डिफरेंट है। स्प्राउट्स की सब्जी होती ग्रेवी वाली जिसमें नमकीन प्याज डाल के पाव के साथ खाया जाता है। दिस इज़ आर स्पेशलिटी, ये आपको सिर्फ हमारे यहाँ पे ही मिलेगा बिकॉज इट्स माय रेसिपी एंड इट्स इन ब्रेड नॉट इन टॉर्टियाज। दिस इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट आइटम, ये फ्रेश फ्रूट्स के साथ एंड आइसक्रीम एज अ डिप सर्व होता है, वेरी डिफरेंट टेस्ट। समोसा पाव इज़ अ बेसिक आइटम बट विद अलग फ्लेवर एंड दिस इज समोसा मिसल चाट, ये भी बहुत अलग है, मिसल और समोसे की चाट का फॉर्म में बना के दिए, बहुत अलग आइटम है। एंड दिस इज़ एट लास्ट खस मोहितो, ये जो स्पाइसी फूड खा लिया स्टमक को सेट करने के लिए, ये वैसा आइटम है विथ वेरी फ्रेश फ्लेवर्स विथ मिंट लीव्स एंड चिया सीड्स ऑल दैट। सो दिस इज़ आवर मेन्यू, दिस इज़ माई फूड ट्रक बट एक्चुअली दिस इज़ माई पैशन, ये मैंने सिर्फ मेरे पैशन के लिए चालू किया है बिकॉज आई एम अ वेल ऑफ फैमिली बट मेरे को एक कुछ था कि आई हैव टू डू समथिंग एंड सब यूनिक, तो मैंने ये फूड ट्रक का कॉन्सेप्ट किया। बहुत लोग मेरे को बोले भी आप ऐसे क्या सड़क पे खड़े हो के यू आर डूइंग, बट ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे अपनी स्पेशलिटी दे रहे हो आप यहाँ पर और मुझे यहाँ पे काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी बात कहना चाहूँगा कि जब भी हम कभी बाहर खाने पीने की बात करते हैं, स्पेशली स्ट्रीट फूड की बात करते हैं, तो हम साफ़ सफाई और हाइजीन का हम ज़रूर उस पर ध्यान देते हैं। तो हमने इस जगह पे ऑब्ज़र्व करा कि यहाँ पर जो है खाना या जो फूड है उसमें हाइजीन और साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे टाइमिंग्स की बात करें तो ये फूड ट्रक शाम को 5:30 बजे लगते हैं और रात के 11 बजे तक रहते हैं। वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।